गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। तो बात करेंगे आज इस वीडियो में बॉलीवुड की नहीं बल्कि साउथ इंडिया की एक और अपकमिंग तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म बीस्ट को लेकर बात करने वाले हैं, जिसे कि हिंदी डब में रिलीज किया जा रहा है कहीं ना कहीं रॉक के नाम से। लेकिन आपको बता दूँ, ये फिल्म हिंदी डब में रिलीज़ हो रही है, मेरे को खुद यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि इस फिल्म को जो रिस्पांस मिल रहा है ना हिंदी डब वर्जन में, वो बिल्कुल ना के बराबर है यार, सच कहूँ तो। अब बात करें फिल्म को लेकर, फिल्म एक नेक्स्ट लेवल की फिल्म है। तो बस जानेंगे आज इस वीडियो में कि फिल्म में कौन कौन नजर आ रहा है, क्या बजट है, और ये अभी तक अपना कितने का कलेक्शन कर चुकी है एडवांस बुकिंग के मामले से, क्योंकि ये फिल्म कल फाइनली रिलीज हो चुकी होगी दुनिया भर के सभी थिएटर्स में। और बताया जा रहा है कि फिल्म अमेरिका में ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। तो बस आपको बता दूँ, लीडिंग में नजर आ रहे हैं थालापति विजय और पूजा हेगड़े। तो डायरेक्शन दिया इसको नेल्सन दिलीप कुमार ने। अब बात आती है फिल्म के बजट को लेकर, तो इसका बजट है तकरीबन 150 करोड़ रुपए। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, ये फिल्म इस बजट को बहुत ही कम वक्त में रिकवर कर चुकी होगी, क्योंकि इस फिल्म का जो मैसिव कलेक्शन आया है केवल और केवल एडवांस से, वो काफ़ी खतरनाक है। और यकीन मानिए 2022 की तमिल सिनेमा की ये फिल्म हायर ग्रोसर बनने जा रही है, जहाँ पर इस फिल्म ने तमिल वर्जन में एडवांस बुकिंग से कलेक्शन किया 34 करोड़ 39 लाख रुपए, तो वहीं पर कमाए तेलुगु वर्जन में 4 करोड़ 88 लाख रुपए। और आपको हैरानियत होगी कि ये फिल्म हिंदी डब में इतना भयंकर कलेक्शन कर रही है, केवल और केवल 30 लाख रुपए का इस फिल्म में हिंदी डब से कलेक्शन किया है एडवांस के मामले में, जिसका बाद आप कह सकते हो जो फिल्म का ओवरऑल कलेक्शन हुआ है एडवांस बुकिंग के मामले में इंडिया से, वो हो चुका है 39 करोड़ 57 लाख रुपए टोटल ऑल ओवर। और यकीन मानिएगा, ये फिल्म 60 करोड़ प्लस कलेक्शन कर पाएगी बहुत ही आसानी से अपने पहले दिन, क्योंकि ये तो भाई सिर्फ एडवांस है। और यकीन मानिए कल इसको मैसिव रिस्पॉन्स मिलने वाला है। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म एक बार हिंदी वर्जन में थोड़ी सी चल जाए, बाकी सब किस्मत के ऊपर है। वेल, आप कितने एक्साइटेड हो रो यानी कि बीस्ट को लेकर, आपकी राय क्या है कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और आपके हिसाब से इस फिल्म का क्लोजिंग कलेक्शन क्या रहेगा, 300 करोड़ 400 करोड़ या इससे कहीं ज़्यादा, आपकी जो भी हो रहा है बताते रहिएगा। एंड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।